तो आज हम करेंगे हमारा चैप्टर 11 कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन ये हम 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। इसके अंदर हम डिफरेंट टाइप की ट्राइंगल या फिर सर्कल की कंस्ट्रक्शन करेंगे, जो भी स्टेटमेंट गिवन हो उसके अकॉर्डिंग। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास एक्सरसाइज है 11.1 एंड फर्स्ट क्वेश्चन इज ड्राई लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ। लेंथ हमारे पास 7.6 सेंटीमीटर एंड डिवाइड इट इन द रेशियो रेशियो हमारे पास 5:8 एंड मेजर द लेंथ ऑफ टू पार्ट। दोनों पार्ट की लेंथ भी मेजर करनी है। सबसे पहले तो एक लाइन ड्रॉ करनी है हमें जिसकी लेंथ हो 7.6 सेंटीमीटर, और उसके बाद उसका डिवाइड करना है 2:1 सच डेट 1:5 एंड अदर इज 8। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, कंस्ट्रक्शन हो जाएगा हमारे पास कोई भी लाइन ले लेंगे स्केल से जिसकी लेंथ क्या हो 7.6 सेंटीमीटर। लेट ए बी बी द एनी लाइन, ए बी कोई भी लाइन है जिसकी जो लेंथ है वो है 7.6 सेंटीमीटर। अब हम या तो ए पॉइंट के ऊपर या बी पॉइंट के ऊपर कोई भी एक्यूट एंगल ड्रा कर लेंगे हम। मान लीजिए ये कोई भी एक्यूट एंगल हमने ड्रा कर लिया। अब टोटल जो रेशो हमारा है 5:8, इन दोनों का एडिशन करेंगे हम तो वो हो जाएगा 13। अब ये जो लाइन ए सी है इसके हम 13 इक्वल पार्ट कर लेंगे। मान लीजिए दिस इज 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, ये इसके इक्वल पार्ट हो जाएंगे 13। दिस इज A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10, A11, A12, A13। अब क्या करेंगे हम, जो 13 पार्ट है उसको हम B पॉइंट से मिला लेंगे। ये 13 A13 को B से मिला देंगे। अब ये जो भी लाइन आई हमारी BA31 इसके पैरेलल कोई भी लाइन ड्रॉ करेंगे और वो जो 5:1 है वहाँ से हम इसको लेंगे, इसके पैरेलल लाइन लेके और इसको A5 से मिला देंगे। तो ये जो रेशो आया है लाइन का, ये जो पॉइंट मान लीजिए पॉइंट कोई भी P पॉइंट है, अब ये जो रेशो होगा वो हमारा रेशो हो जाएगा 5:8। अब ये जो लाइन है और ये जो लाइन है ये क्या आपस में पैरेलल है, तो ट्राइंगल वाला रिजल्ट हम लगाएं BPT थ्योरम। कोई भी ट्राइंगल हमारे पास और किसी भी एक साइड के पैरेलल कोई भी साइड हम लेते हैं, ये ट्राइंगल ABC है और ये D और ये E जो लाइन है DE है, यहाँ पे ये जो DE लाइन है ये पैरेलल है BC के, तो जो रेशो होगा कॉरस्पॉन्डिंग रेशो A से D अपॉन में डी से बी इक्वल हो जाएगा ए से ई अपॉन में ई से सी। सिमिलरली इन ट्राइंगल दिस वी हैव ए से पी अपॉन में पी से बी, ये इक्वल हो जाएगा ए से ए फाइव अपॉन में ए फाइव से ए 13, और ये रेशियो हमारे पास हो जाएगा 5:8। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, कंस्ट्रक्ट ए ट्राइंगल हुज साइड आर
साइड आर 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। कोई भी ट्राइंगल की कंस्ट्रक्शन करनी है हमें, और जिसकी जो तीनों साइड है वो है 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। एंड देन ए ट्राइंगल सिमिलर टू इट हुज साइड आर 2/3, 2/3 ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग ट्राइंगल। सबसे पहले तो हमें एक ट्राइंगल बनानी है जिसकी जो साइड है वो 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। तो क्या करेंगे हम, कोई भी एक साइड ले लेंगे, कंस्ट्रक्शन हो जाएगी हमारे पास ट्राइंगल की। कोई भी साइड ले लेंगे, मान लीजिए ये जो साइड है ये 6 सेंटीमीटर, लेट बी सी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर की साइड तो हमने एक ले ली, ये तो स्केल से ले लेंगे। उसके बाद बी को सेंटर मान करके और रेडियस ले लेंगे 5 सेंटीमीटर का, और ये हम एरो लगाएंगे। इसी प्रकार सी को सेंटर मान करके 4 सेंटीमीटर के हम एरो ले लेंगे और इन दोनों को मिला देंगे बी से और सी से। तो ये जो ट्राइंगल होगी हमारे पास वो ट्राइंगल हो जाएगी ए बी सी, जिसकी साइड होंगी 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे, कोई भी बी पॉइंट या सी पॉइंट के ऊपर कोई भी एक्यूट एंगल ड्रा कर लेंगे। लेट बी पॉइंट के ऊपर हमने कोई भी एक्यूट एंगल ड्रा कर लिया। अब जो टोटल जो रेशो हमारा वो 2:3 है, इस रेशो की हमें ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करनी है। तो इनमें से जो ग्रेटर पार्ट होगा उसके इक्वल पार्ट हम ये जो एक्यूट एंगल इसके ऊपर इक्वल फ्रैक्शन बना लें। मान लीजिए बी एक्स कोई भी लाइन है, अब यहाँ पे इसका इक्वल 3 पार्ट कर लीजिए, दिस इज 1, दिस इज 2 एंड दिस इज 3। मान लीजिए बी 1 है, ये बी 2 है, ये बी 3 है। जो बी एक्स लाइन थी उसके हमने 3 इक्वल पार्ट कर लिए। उसके बाद क्या करेंगे हम, जो भी नीचे रेशियो हमारा है जैसे 2:3 है, तो 3 को हम सी से मिला लेंगे, बी 3 को हम, ये जो बी 3 है इसको हम सी पॉइंट से मिला लेंगे। अब जो ऊपर हमारे पास है वो 2:3 है, तो जो बी 2 है, बी 2 से कोई भी लाइन ड्रॉ करेंगे हम जो बी और बी 3 और सी के पैरेलल हो। ड्रा ए लाइन पैरेलल टू बी 3 सी और बी 3 सी से मिलाएंगे हम, तो ये मान लीजिए कोई भी लाइन हमने ड्रा कर ली जो पॉइंट डी के ऊपर इसको इंटरसेक्ट कर रही है बी सी को। ये जो लाइन है बी 3 और सी है ये पैरल होगी हमारे पास बी 2 और डी के, ये पैरल लाइन ड्रा कर लेंगे। अब ये जो भी पॉइंट आते हैं इस पॉइंट से एस के पैरल लाइन लेनी हमें, तो सबसे पहले हम इस सी पॉइंट के ऊपर एक्यूट एंगल ड्रा करेंगे। ये जो भी एंगल है सेम कंपास लेके यहाँ पे लगाएंगे हम और यहाँ पे। अब ये जो भी एंगल है मेजर करके हम ये लाइन ड्रॉ कर लेंगे जो पैरेलल होगी हमारी एसी के, और ये पॉइंट मान लीजिए हमारे पास है ई। अब ये जो ट्राइंगल है ट्राइंगल बी डी ई, दिस इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए बी सी एंड हुज साइड आर इन द रेशो ऑफ 2/3 रेशो ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। तो कंस्ट्रक्शन क्या हो जाएगी, सबसे पहले लेट अस टेक बी सी एज 6 सेंटीमीटर। सबसे पहले बी सी ले लेंगे 6 सेंटीमीटर की, उसके बाद With B as center, and radius equal to 5 centimeter, draw an arc.
कोई भी आर्क ड्रा कर लिया हमने। सिमिलरली विद सी एज सेंटर एंड रेडियस इक्वल टू फोर सेंटीमीटर ड्रा एन आर्क। नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा हमारे पास ज्वाइन ए टू बी एंड सी। ए को हम बी और सी से मिला देंगे। उसके बाद ए बी सी इज द रिक्वायर्ड ट्राइंगल। मेक एन एक्यूट एंगल ऑन make an acute angle on point B. B के ऊपर acute angle बनाएंगे हम and equal part along BX make of 3 point B1, B2, B3 such that नहीं हो रही। एक मिनट चेक करता हूँ। अभी देखते हैं सर है? देखते हैं सेव नाम दो नहीं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल विद साइड 5 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर। साइड हमारे पास 5 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर एंड देन अनदर ट्राइंगल हुज साइड आर 7/5 ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग ट्राइंगल। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम इसके अंदर कोई भी साइड ले लेंगे। मान लीजिए लेट स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन हमारे पास लेट बी सी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। ये जो बी सी हमने 7 सेंटीमीटर कोई भी लेंथ ले ली। अब बी को सेंटर मान करके और रेडियस लेके हम 5 सेंटीमीटर ये कोई भी आर्क ड्रा कर लेंगे। इसी प्रकार सी को सेंटर मान करके रेडियस हम 6 सेंटीमीटर लेके ये आर्क ड्रा कर लेंगे। अब ये जो भी पॉइंट है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इसको हम दे देंगे नाम कोई भी पॉइंट ए है। अब ए को हम बी से मिलाएंगे और ए को हम सी से मिलाएंगे। जैसे हमने सेकंड क्वेश्चन में किया था सेम टू सेम यहाँ पे भी वो कंस्ट्रक्शन रहेगी हमारी। अब क्या करेंगे हम या तो B के ऊपर या फिर पॉइंट C के ऊपर कोई भी एक्यूट एंगल ड्रा कर लेंगे। ड्रा एन एक्यूट एंगल ऑन द पॉइंट B सच डैट ये पॉइंट हमारे पास हो जाएगा X। तो ये बी एक्स कोई भी लाइन ले लिया हमने एक्यूट एंगल के ऊपर। अब जो रेशियो हमारा वो है 5:7। अब इस रेशियो के अंदर जो भी ग्रेटेस्ट साइड हो उतने ही इक्वल पार्ट हम बना लेंगे बी एक्स के। मान लीजिए यहाँ पर जो ग्रेटेस्ट पार्ट है वो 7 है तो इस बी एक्स के हम इक्वल 7 पार्ट कर लेंगे। दिस इज 1 दिस इज 2 3 4 5 6 7 B1 B2 B3 B4 B5 और B6
B7, ये हम इक्वल पार्ट कर लेंगे BX के 7। अब नीचे जो भी रेशियो होगा उसको हम C पॉइंट से मिला देंगे, नीचे रेशियो हमारे पास 7:5, तो B5 को हम C पॉइंट से मिला देंगे, ये B5 को हम C से मिला देंगे, और ये जो भी लाइन है, जो भी एंगल है, सेम एंगल हम ड्रा करेंगे B7 के ऊपर, और इस BC के पैरेलल कोई भी लाइन ड्रा करेंगे, ये मान लीजिए लाइन आ गई, और इस BC को हम एक्सटेंड करेंगे, तो इस प्रकार BC को एक्सटेंड करेंगे तो ये पॉइंट हमारे पास आ जाएगा BD। अब ये जो B5C है ये पैरेलल हो जाएगा B7D के। अब ये जो पॉइंट हमारे पास D आया और ये जो पॉइंट C है वो AC के पैरेलल है, हम यहाँ पर लाइन ड्रा करेंगे, तो ये जो भी एंगल है ये मेजर करेंगे हम, सेम आर्क यहाँ पे ड्रा करेंगे, जितना भी एंगल है वो लेके हम इसके पैरेलल कोई भी लाइन ड्रा करेंगे, और ये जो भी लाइन आएगी हमारे पास, अब इसको हम AB को एक्सटेंड करेंगे, तो ये जो भी ट्राइंगल बनी हमारे पास, मान लीजिए ये पॉइंट हमारे पास है E, तो दिस इज़ द रिक्वायर्ड ट्राइंगल विच इज 7:5:2 द कॉरस्पॉन्डिंग ट्राइंगल। यहाँ पे जो AC है, ये जो AC है ये पैरल हो जाएगी DE के, AC इज पैरल टू DE। अब यहाँ पे हम BPT थ्योरम का यूज़ करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा BC अपॉन में CD इक्वल हो जाएगा BA अपॉन में AC E, और ये जो रेशियो होगा वो हो जाएगा हमारे पास 5:7:5। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, ड्रा ए ट्राइंगल विद ट्राइंगल ABC। ट्राइंगल ABC हमें ड्रा करनी है विद साइड BC इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, AB इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, एंड एंगल ABC इक्वल टू 60 डिग्री। देन कंस्ट्रक्ट ए ट्राइंगल हुज साइड आर 3/4। ये क्या होगी 3/4 ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग साइड ऑफ द ट्राइंगल ABC। सबसे पहले ट्राइंगल ABC हमें कंस्ट्रक्ट करनी है, BC हमें लेनी है 6 सेंटीमीटर, एंगल B है वो हमारे पास हो जाएगा 60, और AB क्या हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। तो BC ले लेंगे हम, सबसे पहले BC कोई भी साइड ले ली हमने, ये 6 सेंटीमीटर, ये पॉइंट B है, ये C है, ये 6 सेंटीमीटर। अब B के ऊपर क्या एंगल 60 का, यहाँ पे हम एंगल 60 का बना देंगे, ये 60 का एंगल है, और ये जो पॉइंट A लेंगे यहाँ पे वो हम ले लेंगे AB इक्वल टू 5, ये 5 सेंटीमीटर के ऊपर कोई भी पॉइंट A ड्रा कर लेंगे। अब इस A पॉइंट को C से मिला देंगे, तो कंस्ट्रक्शन क्या हो जाएगी, टेक ए साइड, टेक ए लेंथ BC इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, एंड देन मेक एंगल B इक्वल टू 60 डिग्री, ड्रा AB इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, एंड देन ज्वाइन A टू C। नाउ ड्रा एन एक्यूट एंगल ऑन द एंगल ऑन द पॉइंट B, B के ऊपर कोई भी एक्यूट एंगल हम ड्रा कर लेंगे, उसके बाद क्या होगा हमारे पास, अब जो BX कोई भी एंगल लिया हमने एक्यूट एंगल, इसके हम इक्वल पार्ट कर लेंगे, इन दोनों में से ग्रेटेस्ट कौन है 4 है, तो इसके 4 इक्वल पार्ट हम ड्रा कर लेंगे। मान लीजिए दिस इज 1, दिस इज 2, 3 एंड 4, B1 B2 B3 एंड B4, ये हमारे पास 4 इक्वल पार्ट हो जाएंगे। अब नीचे जो भी रेशियो है, नीचे हमारे पास 4, तो B4 को हम C से मिलाएंगे, ज्वाइन A2 B4, ये हमने मिला दिया B4 को C से। अब हम करेंगे ड्राई लाइन B3D पैरेलल टू B4C, B4C के पैरेलल लाइन ड्रा करेंगे हम, और ये लाइन हो जाएगी B3 और D, और ये लाइन हो जाएगी हमारे पास CA।
ये पॉइंट हमारे पास हो जाएगा डी। अब एसी के पैरेलल लाइन लेंगे हम, एसी के पैरेलल लाइन डी से ई, तो ये जो भी एंगल है सेम एंगल यहाँ पर ड्रा करेंगे, ये आर्क जितनी है इतनी ही आर्क हम यहाँ पर लेंगे और ये पॉइंट हमारे पास आ जाएगा और ये लाइन, ये पॉइंट हो जाएगा ई। अब ये जो भी ट्राइंगल होगी वो क्या हो जाएगी, इस ट्राइंगल का 3/4 हो जाएगा रेशियो। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास, ड्रा ए राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल इन विच द साइड अदर देन हाइपोटेन्यूज आर लेंथ ऑफ 4 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। साइड है 4 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर, राइट एंगल ट्राइंगल है। एंड देन कंस्ट्रक्ट अनदर ट्राइंगल हुज साइड आर 5/3 टाइम टू द कॉरस्पॉन्डिंग साइड ऑफ द गिवन ट्राइंगल। तो सबसे पहले हम बी सी लेंगे, कोई भी साइड ले लिया हमने बी सी, ये मान लीजिए बी सी है और ये हमने ले ली 4 सेंटीमीटर। राइट एंगल ट्राइंगल है तो बी के ऊपर या फिर सी के ऊपर कोई भी राइट एंगल ड्रा कर लेंगे। तो ये मान लीजिए हमने सी पॉइंट के, बी पॉइंट के ऊपर कोई भी राइट एंगल ड्रा किया और ये जो ए बी की लेंथ है वो ले लेंगे हम 3 सेंटीमीटर। क्यों, हमारे पास लेंथ दे रखी है 2 और वो है अदर देन हाइपोटेन्यूज, तो वन इज बी सी, वी हैव टेकन वन इज बी सी विच इज 4 सेंटीमीटर एंड अनदर इज ए बी विच इज 3 सेंटीमीटर। देन ज्वाइन ए टू सी, ए को हम सी से ज्वाइन कर लेंगे। दिस इज द रिक्वायर्ड ट्राइंगल इन विच हुज टू साइड आर 4 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर अदर देन द हाइपोटेन्यूज एंड एंगल बी इज राइट एंगल ट्राइंगल। अब हमें इसके कॉरस्पॉन्डिंग एक ट्राइंगल बनानी है जिसका जो रेशियो है वो क्या होगा, 5:3, 5:3 होगा कॉरस्पॉन्डिंग ट्राइंगल के। मेक एन एक्यूट एंगल ऑन द पॉइंट बी, लेट बी एक्स बी एन एक्यूट एंगल, देन मेक इक्वल पार्ट ऑफ 5 ऑफ बी एक्स, दिस इज फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ, दिस इज बी वन बी टू बी थ्री बी फोर बी फाइव। ये हमने बी एक्स के 5 इक्वल पार्ट कर दिए। उसके बाद क्या करेंगे हम, जो भी नीचे वाला रेशो, नीचे रेशो हमारे पास 3, तो बी थ्री को मीट बी थ्री टू सी, ज्वाइन सी टू बी थ्री, सी को हम बी थ्री से ज्वाइन करेंगे। अब ये जो भी एंगल है बी थ्री के, बी थ्री सी के पैरेलल कोई भी लाइन ड्रा करेंगे बी फाइव से, तो ये एंगल हम यहाँ पे ड्रा करेंगे और ये कोई भी पैरेलल लाइन हो जाएगी हमारे पास। अब बी सी को हम एक्सटेंड करेंगे तो ये जिस पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट कर रही है ये पॉइंट मान लीजिए डी है। अब इस डी पॉइंट से ए सी के पैरेलल लाइन ड्रा करेंगे हम और ये लाइन हमारे पास हो जाएगी, ये मान लीजिए पॉइंट हमारे पास ई। तो डी ई जो लाइन है वो पैरल हो जाएगी हमारे पास ए सी के और जो रेशो होगा हमारे पास इन दोनों ट्राइंगल का वो हो जाएगा बी से सी अपॉन बी से डी, तो ये रेशियो हो जाएगा बी से ए अपॉन बी से ई और ये रेशियो हो जाएगा हमारे पास 3:5 और बी डी अपॉन में बी सी इक्वल हो जाएगा बी से ई बी ए बी ए। This is 5:3, तो ये रेशो हो जाएगा BD अपॉन में B से D
इस ट्राइंगल का यास, ये रेशो अपॉन बी से सी अपॉन में ये साइड और बी से ई अपॉन में बी से ए, और ये रेशो हो जाएगा हमारे पास 5:3। तो ये थे हमारे पास एक्सरसाइज 11.1।